तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 अमेजिंग प्लांटर DIYs जो कि आप बहुत ही इजीली अपने घर में बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BZB। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्लांटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये एक बिरयानी का हांडी। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पेंट किया हुआ था, तो उसे कवर करने के लिए सबसे पहली लेयर मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे जेसो का। तो ये मैंने इत्सी बित्सी से लिया था। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी चॉक पेंट। आप चाहें तो यहाँ पे एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चॉक पेंट प्लस एक्रिलिक कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए अपने इस हांडी को पेंट करूँगी। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि येलो टू रेड गई थी मैं कलर कॉम्बिनेशन में, एक ग्रेडियंट इफेक्ट दिया था मैंने, सेम वही मेथड मैंने यहाँ पे भी फॉलो किया है। मैंने नीचे येलो, देन ऑरेंज एंड टॉप में मैंने रेड यहाँ पे पेंट किया है एंड इनको आपस में मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने हांडी को पेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये जूट फैब्रिक एंड इसका एक छोटा सा पैच कट कर लिया है एंड ये जो थ्रेड्स मैं निकाल रही हूँ सो दैट कि जो 4 साइड्स हैं वो इक्वल लगें। तो यहाँ पे ये थ्रेड्स मैंने निकाल लिए। अब इसके ऊपर मैं एक स्टिकर स्टिक करने वाली हूँ। ये आपको लेबल्स मिलते हैं, ये मैंने अमेजोन से लिया है, तो इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। अब आप परमानेंट मार्कर की हेल्प से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप एक्रिलिक कलर से भी जो चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मैंने मार्कर यूज़ किया है वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। यहाँ पे मैं आपको वाटर टेस्ट करके भी दिखा रही हूँ। मैंने इसे पानी से रब किया एंड इसे ऐसे वाइप भी किया, फिर भी ये मार्कर नहीं निकला। तो अब मैं ग्लूगन की हेल्प से इसे यहाँ पर स्टिक कर दूँगी एंड दैट्स इट, हमारा फर्स्ट प्लांटर रेडी है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्लांटर की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है ये एक फूड कंटेनर एंड इसके ऊपर भी मैंने एक कोट जेसो का अप्लाई कर दिया है एंड इसे कम्प्लीटली ड्राई होने तक छोड़ दिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये डेकोपाज नैपकिन एंड इसको मैं पानी की हेल्प से डिटैच कर लूँगी। मैं यहाँ पे पानी लगा रही हूँ जितना पोर्शन हमें चाहिए, तो उस पोर्शन में मैंने इस तरीके से ब्रश की हेल्प से पानी लगा दिया है एंड अब इसे हम फाड़ लेंगे। इसे अलग करने के बाद मैंने अपने इस कंटेनर के ऊपर रख के देख लिया है कि मुझे कैसे इसे लगाना है। हम पहले इसका जो भी पोजीशन है वो फाइनल कर लेंगे एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो एजेस हैं, दो एजेस जो हैं वो काफ़ी शार्प हैं, तो उसे भी मैं पानी की हेल्प से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे भी रफ़ कर लिया है, इसके तीनों एजेस जो थे वो रफ़ हो चुके हैं। तो ये कभी कभी आपको 2-ply 3-ply होते हैं, तो जो बैक का जो लेयर है वो हमें निकालना है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये मॉड पॉज ग्लू। तो इसका एक कोट मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी एंड इसे मैं, क्योंकि ये हमारा जो कंटेनर है वो मूव ना करे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बॉटल्स यूज़ किए हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉड पॉज लगाऊँगी एंड इसे किसी भी फ्लैट ब्रश की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें करना है, एक बार में सारा हमें नहीं चिपका देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप ब्रश से बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लास्टिक की कोई भी शीट लीजिए एंड उसे रख करके आप हाथ से बहुत ही अच्छे से आप इसे रब करिए। ये बहुत ही स्मूथली ये चिपक जाएगा और एक भी आपको मार्क या बबल्स नहीं रहेंगे, बट पहले आपको फ्लैट ब्रश से उसे चिपकाना है एंड उसके बाद उसको आपको प्लास्टिक रख करके उसे स्मूथ करना है। तो हम नैपकिन को पार्ट्स में स्टिक करेंगे, हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे एंड फिर अपने नैपकिन को
थोड़ा थोड़ा करके स्टिक करेंगे। तो नैपकिन स्टिक होने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे एंड उसके बाद मैं अगेन मॉड पॉज का एक टॉप लेयर यहाँ पे कर दूंगी एंड उसे भी हम सूखने देंगे। इसके सूख जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये चॉक पेंट लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक्रिलिक कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कलर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे नैपकिन से मिलता जुलता कलर हो, जिससे कि हमारा जो नैपकिन है वो बहुत ही ईजली बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा और मैं डिटेलिंग कर रही हूँ सो दैट कि जो हमारा नैपकिन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मर्ज हो जाए बैकग्राउंड के साथ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के पेंट से थोड़े और लीव्स बना लिए हैं। तो ये प्रोसेस होने के बाद हम अगेन इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे एंड उसके बाद हम दो कोट वार्निश का अप्लाई करेंगे। वार्निश का अप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि हम इसे पानी में वॉश कर सकते हैं। आप इसे वेट क्लोथ से वाइप कर सकते हैं, आप इसे क्लीन कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप इसे धो सकते हैं रगड़ रगड़ के। तो आई सजेस्ट कि आप अवॉइड करें इसमें डायरेक्ट प्लांट्स लगाना या धूप में रखना। तो अब चलते हैं अपने थर्ड प्लांटर की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये लिया है करवा। तो जो लोग करवा चौथ करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये 2 साल पहले मैंने पेंट किया था एंड आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकला है एंड ये एक्रिलिक कलर ही है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये मोल्डेड क्ले एंड उसके बाद मैंने लिया है ये एक प्लास्टिक शीट। तो ये टेबल मैट था मेरे पास, मैंने बहुत सारे DIY में से यूज़ भी किया है। तो यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप मैंने कट कर ली है एंड इस तरीके से मैं इसे एक कॉर्नर पे यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ एंड अदर कॉर्नर को इसके साथ मैं स्टेपल करके सिक्योर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक टीयर ड्रॉप का शेप। तो इस तरीके से आप कोई भी क्ले कटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीयर ड्रॉप का शेप रेडी हो चुका है। अब बेस में मैं यहाँ पे टैल्कम पाउडर लगा रही हूँ एंड क्ले को मैं यहाँ पे रोलर पिन की हेल्प से इस तरीके से रोल करके फ्लैट कर लूँगी एंड टीयर ड्रॉप की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। अब इसे मैं फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। एंड उसके बाद फिंगर टिप की हेल्प से यहाँ पे हम कॉर्नर्स पे थोड़ा सा हम इस तरीके से शेप दे देंगे। नेक्स्ट किसी भी बॉटल कैप की हेल्प से आप सर्कल्स कट कर सकते हैं एंड इसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। अब एक और छोटा सर्कल चाहिए था तो उसके लिए भी एक छोटा कैप लिया है एंड उसे भी कट करके स्टिक कर दिया है। एंड इस तरीके से आपको कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे डिज़ाइंस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये शेप दे लिया है एंड अब हम यहाँ पे नोज़ लगा लेंगे। अब जो टीयर ड्रॉप हमने बनाया था उससे मैं 2 विंग्स कट करूँगी एंड उससे मैं इसके हाथ बनाऊँगी। तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे मैंने इस तरीके से इसे भी चिपका दिया है एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक मॉडलिंग टूल है। ये मेरे पूरे टूल के साथ ही आया था। ये आपको कुछ 100-150 रुपये का पूरा किट आता है। इसमें आपको बहुत सारे पेन होते हैं जिसके दोनों साइड्स में डिफरेंट डिज़ाइंस बने होते हैं, तो आपके लिए क्ले मॉडलिंग काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से मैं इस तरीके से जो इसका विंग है उसको मैंने शेप दे लिया है। अब हम इसके पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे क्ले लिया है एंड इसे अब हम इस तरीके से शेप दे देंगे एंड इसे भी फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। अब हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे ब्राउन एंड ब्लैक कलर मिक्स करके इस पूरे आउल को पेंट कर लिया है। नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ पे चॉक कलर्स यूज़ किए हैं। विद दी हेल्प ऑफ स्पंज मैं इसे यहाँ पे डैप करते हुए अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से पेंट कर लूँगी।
मैंने यहाँ पे चॉक कलर यूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए था। आपके पास नहीं है तो आप एक्रिलिक भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, हमारा प्लांटर रेडी हो चुका है एंड मुझे ये इतना क्यूट लगा कि मैं इसे एज अ पेन होल्डर यूज़ करने वाली हूँ। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांटर की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक प्लांटर है जो हमें जनरली अपने प्लांट्स के साथ मिलता है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है एंड जेसो का एक लेयर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद कम्प्लीटली हमने इसे ड्राई कर लिया है एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक शेप अपने सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करके इसको मैंने 3 डिफरेंट साइजेस ले लिए हैं, सो दैट कि जो भी मेरे प्लांटर के ऊपर आता वो मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। कट करके कार्बन की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे ट्रेस कर लूँगी। अब मैं बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे गोल्डन येलो यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं ब्रश की हेल्प से इसे पेंट कर रही हूँ। जो फिश का शेप है उसके पास के जो कॉर्नर्स हैं उनको पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है एंड उसके बाद स्पंज की हेल्प से मैं डैप करते हुए पूरे अपने इस प्लांटर को पेंट कर लूँगी। तो मैंने टोटल यहाँ पे 3 फिशेज ड्रॉ किए हैं एंड अंदर का जो पार्ट है उसे मैंने वाइट पेंट से पेंट कर लिया है। अब ये सब जब सूख जाएगा तब मैंने यहाँ पे अगेन ब्लैक एक्रिलिक कलर से जो फिश का आउटलाइन है उसे मैंने ड्रॉ कर लिया है एंड उसके बाद जो भी डिज़ाइन आपको यहाँ पे बनानी है आप बना सकते हैं। आपको अगर कलरफुल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे वाइट येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है। तो जनरली ये जो फिश है ये मधुबनी आर्ट है एंड इसके अंदर आपको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। यहाँ पे और कोई शेप नहीं होता, सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स ही यूज़ किए जाते हैं, तो उसी से इसको पूरा फिल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसे पेंट कर लिया है। तो जितने भी मैंने प्लांटर्स अभी तक बताए हैं उन सबको आपको लास्ट में वार्निश के 2-3 कोट अप्लाई करने हैं सो दैट कि वो वाटर प्रूफ हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट एंड 5th प्लांटर की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का ये बॉटल यूज़ किया है। ये मेरे पास 1/2 लीटर की बॉटल थी, तो इसे मैं यहाँ से पहले कट कर लूँगी। जो नेक पोर्शन है इसे मैंने कट करके रिमूव कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर ये मोल्डेड क्ले एंड फेविकॉल की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। तो आप जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कैक्टस बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पे हाउसेस बना सकते हैं, आप बर्ड्स बना सकते हैं, आप फैमिली बना सकते हैं एंड उसके बाद जो भी आपके पास घर में टूल वगैरह हो, नाइफ हो, उससे आप इस तरीके से यहाँ पर डिटेलिंग कर सकते हैं। तो क्ले आर्ट होने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे चाहें उसे पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कलर्स थे वही यूज़ किया है एंड इसी के साथ हमारा ये प्लांटर भी रेडी होता है। तो इन 5 प्लांटर्स में से मेरा फेवरेट तो आउल प्लांटर है। आपका कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो मिलते हैं अगले वीक एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।